अमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी राजनीति में आने की पेशकश। सोनिया गांधी को लेकर दिया था सधा हुआ जवाब। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजीव गांधी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। राजीव और अमिताभ हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहे। अपनी माँ और देश की पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने अपने करीबी लोगों पर भरोसा किया। अमिताभ उनमें से एक थे। राजीव ही अमिताभ को राजनीति के गलियारों में लेकर आए। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को 1984 में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर अमिताभ संसद में पहुंचे थे। दिग्गज नेता रहे बहुगुणा को हरा पाना आसान नहीं था, लेकिन अमिताभ ने ये कर दिखाया था। हालांकि अमिताभ ने संसद में अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही 3 साल के अंदर राजनीति छोड़ दी थी। अमिताभ बच्चन भले ही राजनीति से अलग होकर फिल्मी दुनिया में वापस आ गए, लेकिन राजीव गांधी से उनकी दोस्ती अटूट रही। साल 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, तब अमिताभ बच्चन लंदन में थे। राजीव की हत्या की खबर सुनकर वे सदमे में आ गए थे। तुरंत लंदन से दिल्ली पहुंचे और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी भी उठाई।